अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेसन है कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी किसी भी फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन क्या होता है? इस तरह जो नंबर लिखा होता है, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो नंबर लिखा होता है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि हमें पता है ना कि परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100। तो पहला तरीका है कि हम नीचे वाले चीज़ को 100 बना दें, ठीक है। तो पहले तरीके से मैं यहाँ पे करती हूँ, सपोज फर्स्ट तरीके से, ठीक है। इसको नीचे हम 100 कैसे बना सकते हैं कि 24 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें ना तो वो 100 हो जाता है, ठीक है। तो 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे अकेला नहीं कर सकते, तो हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 2 8 बाय 100। तो जब भी नीचे 100 आया ना तो हम इसको परसेंटेज में लिख सकते हैं 8%, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? एक तरीका तो ये है ना कि डिनोमिनेटर को 100 बना दे, जो ऊपर नंबर आएगा वो आपका परसेंटेज होगी। लेकिन अगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको डिफ़िकल्ट होता है, नीचे से 100 बनाना मुश्किल होता है, तो इसका एक और ईजी तरीका भी है। वो ये है कि जो आपकी फ्रैक्शन है ना उसको 100% से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 2 by 25 multiply by 100। तो अब क्या है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 20 इस कलर से कर लेते हैं। अभी ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। 25 1s are 25 और 25 4s are 100। तो इसका जवाब क्या आ गया हमारे पास, 4 को 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 1 उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है 1 से डिवाइड होकर क्या वही आंसर रह जाएगा। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया is equal to 8%। तो देखा, दोनों तरीकों से हमारा जवाब एक ही आया, यानी कि 8% आया। डिनोमिनेटर को 100 बनाया तो भी 8%, और अगर 100% से उसको मल्टीप्लाई करें तो भी 8% आएगा। तो बस ये चीज़ आपने याद करनी रखनी है कि जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, या तो डिनोमिनेटर को 100 बना लें या उसको 100% से मल्टीप्लाई कर लें और फिर सॉल्व करेंगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन अगर परसेंटेज में हमने कन्वर्ट करनी है तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो क्या करेंगे, हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 ऐड कर देंगे। तो 5 1s are 5 plus 3, तो ये किसके बराबर है, plus 3 divided by 5 which is equal to 8 by 5, ठीक है। अभी वही बात है कि 8 by 5 को दो तरीकों से हम कर सकते हैं, ठीक है। इधर हम लिख लेते हैं 8 by 5। एक तरीका क्या है कि हम इसको नीचे वाली चीज़ को 100 बनाएं। वो कैसे बनेगा, 5 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करें ना तो हमें पता चलता है कि ये 100 हो जाता है, तो हम ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर से मल्टीप्लाई किए तो 8 0s are 0 8 2s are 16, तो 160 आए, ठीक है। और 5 को 20 से किया तो 100 आ गया। तो हमारी परसेंटेज कितनी आई, is equal to 160%, ठीक है। तो जब भी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन होगी ना तो परसेंटेज जो है वो फिर 100 से ज़्यादा आएगी, क्योंकि इसके साथ एक होल नंबर भी आता है, ठीक है। तो जैसे 160% आया। तो अगर एक इसको हम करें, इसी को अगर हम 100% से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 8 by 5 into 100%, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 5 को 5 और 100 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 under 5 और 5 20s are 100, 20 into 8 is equal to 160, ये परसेंट का निशान साथ आ जाएगा। दोनों तरीकों से परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया और सेम आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था आज का लेसन, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में।